नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार अपने सवाल फटाफट से हम तक पहुंचाने के लिए। जो यहां सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है, सबसे पहले वो तरीके जान लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपने सवाल हमें पोस्ट करने हैं। खास तौर पर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो आप सवाल भेजते हैं उसे हम बड़ी संख्या में शामिल करते हैं। तो यूट्यूब पर भी जाकर आप लाइव इस शो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कल की तैयारी टाइम नोट कर लीजिए। हर हफ्ते में पांचों दिन यानी सोमवार से शुक्रवार शाम 3:30 बजे और 6 बजे आप इस शो को देख सकते हैं। आप इस दौरान अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम इन सवालों को शामिल करेंगे। चलिए, आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ फंडा एक्सपर्ट संतोष सिंह जी मौजूद हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बाजार सरप्राइज करता है और आज सरप्राइज भरा दिन हम कह सकते हैं बाजार के लिहाज से, क्योंकि हमने देखा कि भारी उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार निफ्टी जो है वो 80 अंक चढ़कर 22,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक में भी 450 अंकों की तेजी थ्रू आउट पूरे दिन अगर हम देखें नजर आती रही। बाजार पर एक व्यू जरा फटाफट से ले लेते हैं। कुणाल, बताइए यहां से अब बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन? बाजार की बात करें तो काफी अच्छे लेवल पे क्लोज आया है बाजार में। एंड मैं सिर्फ क्लोज की बात नहीं करूंगा, अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। लगातार निफ्टी स्पॉट 22,500 के लेवल एज ए रेजिस्टेंस फेस करती थी, लेकिन आज के दिन में 500 के ऊपर का क्लोजिंग भी हमें देखने को मिला है। तो लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 22,800 23,000 तक के भी लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है। तो ओवरऑल यहाँ से जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही है। एक अच्छी खासी मोमेंटम, एक अच्छी खासी बढ़त हमें बाजार में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो 23,000 तक के लेवल भी आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं, कुणाल जी का ये कहना। चलिए फटाफट से सवालों को शामिल करते हैं। झरना कर्माकर का सवाल, वोडाफोन आइडिया पे 700 शेयर इनके पास हैं और 13.5 रुपए के ऊपर की इनकी खरीद है। संतोष जी, क्या करना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव वोडा आइडिया पे? देखिए, वोडा आइडिया एज सच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आई है कंपनी में कि कंपनी 20,000 करोड़ रुपए जो है उन्होंने ईजीएम के जरिए अपने शेयर होल्डरों से अनुमति मांगी है कि उसका उतना बड़ा पैसा वो जुटाएगी, और अभी आने वाले कुछ दिनों में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं वो, और उससे देखा जाएगा कि कितने पैसे आते हैं कंपनी में, क्योंकि 5G का कॉम्पिटिशन काफ़ी है, उसमें खर्च भी काफ़ी होती है। तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टेबल स्पेस में तो नहीं लगता है, लेकिन केवल रिस्कियर बेट अगर आपके पास है और आपकी एपेटाइट उतनी है तभी आपको ये रखना चाहिए, अदरवाइज मुझे मेरे इन्वेस्टेबल स्पेस में ये कंपनी नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव व्यू आता हुआ वोडा आइडिया पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। शरद टंडन का सवाल है, इज माई ट्रिप पे 500 रुपए की इनकी बाइंग है, 507 शेयर हैं। कुणाल, इज माई ट्रिप 50 रुपए की एंट्री, क्या करना चाहिए? फिलहाल प्रेजेंट लेवल से जो मोमेंटम है पॉजिटिव साइड की ही इज माई ट्रिप में खरीदारी जो है वो होल्ड करके चलने की बन रही है। ऊपर में तकरीबन 48 और 48 जो ब्रेक करेगा तो 51 तक के लेवल हमें इज माई ट्रिप में देखने को मिल सकते हैं। तो जो उन्होंने खरीदारी की है वो होल्ड करने की सलाह है टाइमिंग के लिए। सवाल वेदांता पे, 52 वीक हाई को टच किया इसने, और धर्मेंद्र हैं देहरादून से, उनका सवाल वेदांता पे है। 249 रुपए की इनकी बाइंग है, इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर आज जिस तरह की तेजी है उसमें जबरदस्त मुनाफा इनको होता हुआ। संतोष जी, क्या करना चाहिए वेदांता में 249 रुपए की बाइंग है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें, क्योंकि कंपनी का जो जो पेरेंट कंपनी है उसमें काफी डेट है और उसके कारण ये काफी सुर्खियों में रहा है, उसके कारण स्टॉक प्राइस में प्रेशर भी देखा गया है। चूंकि अब जो है पीएमआई इंडेक्स जो है वो इंडिया के काफी अच्छे आ रहे हैं, दूसरे जो है अगर आप देखें चाइना के भी पीएमआई इंडेक्स अच्छे आए हैं, तो थोड़ी सी लिवाली ऐसे मेटल सेक्टर एज ए होल देखने को मिल रही है और उसमें ये स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस आपको एक मेंटेन करना चाहिए और डैक टू जो है 300 रुपीज के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें, क्योंकि फंडामेंटल थोड़े टुम्बल्टस हैं यहाँ पर, जिसके कारण की
एक मनी मैनेजमेंट स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, अदरवाइज दूसरे मेटल स्टॉक्स जहां मुझे लगता है हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, ये तमाम कंपनियां जो हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। कुछ सवाल YouTube से भी लेते हैं जो पोस्ट किए हुए हैं हमारे दर्शकों ने। सुरेश केजरीवाल हैं कोलकाता से और इनका सवाल इन्फोसिस पे है। 1482 की बाइंग है, 700 शेयर हैं। कुणाल इन्फोसिस पे राय दीजिए। इसके अलावा एक और दर्शक हैं अनिकेत प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, हिंद कॉपर पे अपन राय चाहते हैं, 309 की बाइंग है। तो इन्फोसिस 1482 की बाइंग और हिंद कॉपर 309 की बाइंग, ज़रा राय दीजिए। मतलब काफी अच्छे लेवल पे इन्फोसिस की खरीदारी है। मैं कहूंगा कि जो खरीदारी है उनमें बने रही है, काफी अच्छे सपोर्ट पे इन्फोसिस फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 1650 और वहां से ऊपर में 1730 तक के लेवल इन्फोसिस में हमें देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस में खरीदारी करके चलने की प्लस जो है उसको होल्ड करने की सलाह है। एंड सामने हिंद कॉपर की बात कर लेते हैं। हिंद कॉपर फिलहाल जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 309 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे कल ब्रेकआउट कंफर्म भी होगा। एंड यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। तो व्यू यहाँ से पॉजिटिव साइड का ही है। लेवल की बात कर लेते हैं तो हिंद कॉपर ऊपर में हमें 340 से लेके 400 तक के लेवल दिखा सकता है। तो दोनों स्टॉक हिंद कॉपर और इन्फोसिस होल्ड करके चलने की सलाह है। तो दोनों स्टॉक को होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। एक और यूट्यूब से सवाल लेते हैं। इंडस स्टार पे एक सवाल है, 237 रुपये की बाइंग है, 400 शेयर इनके पास हैं। धर्मपाल जी का सवाल भटिंडा पंजाब से हमारे पास आया हुआ है। संतोष जी, क्या करना चाहिए इंडस स्टार में, 237 की बाइंग है? देखिए, इंडस टावर में जो काफ़ी बड़ा ओवरहैंग था वो वोडा आइडिया को लेके था, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जो है इनके न्यूज़ थे, और चूंकि वोडा आइडिया जो है पैसे रेज करने की, जो फंड रेज करने की बात कर रही है और काफ़ी कॉन्क्रीट अब स्टेप धीरे धीरे ले रही है कंपनी, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में उनके जो भी ओवर ड्यूज थे वो सारे धीरे धीरे जो है वो ठीक होंगे। उस लिहाज से इसमें काफ़ी एक बड़ी तेजी आई है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडस टावर जिस बिजनेस में है वो टावर रेंट करते हैं जितने भी टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनको, तो इनका जो इनकम है वो एक रेंटल इनकम की तरह है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें स्टॉक प्राइस की उम्मीद ना रखें। इसलिए मुझे लगता है कि 290 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें और बने रह सकते हैं। का स्टॉप लॉस बनाकर यहां पर बने रह सकते हैं। बढ़ते आगे, पप्पू पटेल का सवाल हमारे पास आया है। टाटा स्टील पर ये राय जानना चाहते हैं। 134 रुपए के लगभग इनकी बाइंग है, 165 शेयर इनके पास हैं। कुणाल, 134 की बाइंग, टाटा स्टील क्या करना चाहिए? कल जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। फिलहाल स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। ब्रेकआउट भी हमें उसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। जो 153 154 था अभी 163 पे है। होल्ड करके चलने की सलाह है। इमीडिएट जो उसका हर्डल है वो 163 है जो आज का क्लोजिंग है। अगर 163 165 के ऊपर का क्लोजिंग आता है तो वन वे ऊपर में ये स्टॉक हमें 210 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो टाटा स्टील में फिलहाल जो होल्डिंग है उसमें बने रहने की सलाह है। फट से अगला सवाल लेते हैं। सर्वेश शुक्ला का सवाल है, बंधन बैंक पे 185 रुपए की खरीद है, 1250 शेयर इनके पास हैं। संतोष जी बताइए, बंधन बैंक में 185 की खरीद, क्या करना चाहिए मुनाफा होता हुआ? देखिए, मुनाफा तो जरूर है, लेकिन अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर में जो रिकवरी आई है उसमें जो कुछ बैंकें जो काफी खराब स्तर पे हैं उसमें उसमें से वन ऑफ द बैंक्स है जहां पर कि एनपीए अभी भी काफी हाई है इसमें, जिसके कारण कि हमने देखा कि इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है आपने लिया है जो बैंक वो पूरे निचले पायदान पर है, तो रिस्क मतलब आपने ज्यादा उठाया है, जोखिम ज्यादा है देन टू रिवॉर्ड। तो उसके लिहाज से आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं कहूंगा कि आपको मेंटेन करना चाहिए अपनी पोजीशंस पे, और वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 185 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। कल आरबीआई पॉलिसी है, उसको भी ध्यान रखें कि किस तरह से सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी चीजें जो है आरबीआई गवर्नर बताएंगे बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरह से उनका जो है व्यू होगा इंटरेस्ट रेट पे, जीडीपी पे, तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। और इसीलिए आप देखें कि आज जो है बैंकिंग इंडेक्स, और काफी कम होता है कि बैंक और आईटी एक साथ चले, और वो आज दिन था जहां पर बैंक और आईटी दोनों चल रहे थे। तो आने वाले दिनों में बैंक पर थोड़ा नजर आपको जरूर रखनी चाहिए, और आपने जो बैंक होल्ड किया है थोड़ी कमजोर कड़ी पे है तो उस पर ध्यान रखें।
185 से नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और नजर रखिए इस स्टॉक पे। बाला साहेब टाकलकर हैं, सुजलॉन पे सवाल है इनका, ₹50 की बाइंग है और ऊपरी स्तरों पर इन्होंने एंट्री की हुई है सुजलॉन में। हालांकि हाल फिलहाल हमने एक तेज़ी दोबारा देखी थी सुजलॉन में। कुणाल, क्या करना चाहिए सुजलॉन में? जो व्यू है सुजलॉन में वो फिलहाल होल्ड करके चलने का है। नो डाउट उन्होंने ₹50 के अराउंड खरीदारी की है। मेरा ये मानना है कि इस लेवल में वापस जो एवरेज है वो करके चल सकते हैं। 42.95 के अराउंड का क्लोजिंग है, वापस एवरेज करके चलने की सलाह है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोअर लेवल पे हम 39 का एक SLB मेंटेन करके चलेंगे। ओवरऑल पोजिशन को लेकर ऊपर के टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट जो है वो 50 का ही है और जैसे ही 50 क्रॉस होता है 58 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो व्यू मेरा एवरेज करके चलने का बन रहा है। 39 के SL के साथ अच्छे खासे लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और सवाल हम जरा YouTube से ले लेते हैं। पवन सोलंकी का सवाल है देवयानी इंटरनेशनल पे। 100 शेयर इनके पास देवयानी इंटरनेशनल के हैं और 169 के लेवल पे इन्होंने देवयानी इंटरनेशनल में एंट्री की है। फिलहाल इनको नुकसान होता हुआ। संतोष जी, क्या करना चाहिए? 169 की बाइंग है देवयानी इंटरनेशनल में। देखिए, ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और इनके दो कंपनियां हैं कहने की, वरुण बेवरेजेस और देवयानी इंटरनेशनल, जो कि दोनों लिस्टेड हैं। वरुण काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखें QSR सेगमेंट जो है इन दिनों चूंकि इन्फ्लेशन हाई थे, जो भी एग्रो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़े रहने के कारण इन लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी पर काफ़ी बड़ा जो है एक हिट हुआ है, जो कि पूरे QSR सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। और कंपनियां आप समझें कि KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफी, क्रीम बेल, ये सारी चीजें जो हैं कंपनी की मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी है इसमें। और कंपनी कुछ अपनी भी जो है वांगो बोल के कंपनी के चेन रेस्टोरेंट हैं, लेकिन चूंकि जो है थोड़ा सा जो है कहने की ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी की घटी है, प्रॉफिटेबिलिटी घटी है ड्यू टू इन्फ्लेशन, और थोड़ा पेन इनको रह सकता है एटलीस्ट इन द नियर टर्म। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि का नजरिया हो तो निचले स्तरों पर और थोड़ा ऐड करने के, यहाँ से 15-20% अगर करेक्शन होता है तो ऐड करें, लंबी अवधि का नजरिया बनाकर बने रह सकते हैं। जी, आपने जिक्र किया वरुण बेवरेजेस का, तो एक सवाल दीपक का है नोएडा से और इन्होंने वरुण बेवरेजेस और साउथ इंडियन बैंक पे राय मांगी है। कोई लेवल नहीं बताया कि इन्होंने एंट्री की है या नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि मौजूदा स्तर पे चाहे साउथ इंडियन बैंक हो चाहे वरुण बेवरेजेस, इन दोनों पे वो एक नज़रिया चाहते हैं। बताइए क्या करना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, संतोष जी आपसे। ओके, तो देखिए वरुण, जैसा मैंने बताया कि वरुण बेवरेजेस जो है वो एक कहने की बॉटलिंग प्लांट है, जो कि पेप्सी का काम करते हैं ये, और उनके रिलेटेड जितने भी बेवरेजेस हैं पेप्सी के वो सारे ये बेचते हैं इंडिया में। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जो है वो मार्जिन भी गेन कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके कारण के 93 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। अगर इनके पास है तो होल्ड करें क्योंकि अच्छी कंपनियों के प्राइस में आप देखेंगे हमेशा महंगी रहती हैं, लेकिन अर्निंग्स इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि वो जस्टिफाई करते जाते हैं। और अगर आपके पास है तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपको एक स्टॉप लॉस 1450 के नीचे का लगा के रखें। और जहाँ तक साउथ इंडियन बैंक की बात है, अभी साउथ इंडियन बैंक में राइट इशू गया है और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी काफ़ी रिजनेबली वैल्यूड है। राइट इश्यू के जरिए जो पैसे आएंगे इससे बैंक्स के कामकाज जो है मुनाफे बढ़ सकते हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है और उसके लिए वेल्थ चाहिए, उसके लिए कैपिटल चाहिए और कैपिटल ये बैंकें प्रोवाइड करती हैं। और इसमें जो है ये बैंक काफ़ी मुझे भी अच्छी लगती है, इनके कामकाजी मुनाफे, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू बुक वैल्यू का जो है रेशियो काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, थोड़ी सी गिरावट हो वहाँ भी लिया जा सकता है। एक और सवाल यूट्यूब से ले लेते हैं। टेक्समाको रेल पर विवेक का सवाल है, उन्होंने YouTube कमेंट में हमसे पूछा है। 215 की इनकी बाइंग है और 100 शेयर इनके पास हैं। फिलहाल जो है वो इस वक्त नुकसान में नज़र आते हुए शायद यहाँ पे उन्होंने शायद लेवल जो है वो अलग अलग किए हैं। मेरे ख्याल मुझे लगता है कि इन्होंने 100 पे बाय किया है। टेक्समाको रेल पे क्या व्यू बन रहा है इस वक्त, जरा बताएं कुणाल। व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। 171 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
लाइकली चांसेस है 204 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो मेरा जो व्यू है वो होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। अगर इस लेवल पे ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, लोअर लेवल पे 156 के एसएल के साथ 204 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो यहां पर पॉजिटिव व्यू, हालांकि आपके लेवल से फिलहाल नीचे ही है, लेकिन नजर रखिए। चलिए, सवालों के सिलसिले को यहां अब हमें रोकना होगा और अब चलते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, और यह है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज वीआईपी शेयर के तौर पर आपकी पसंद क्या है? देखिए, वीआईपी शेयर्स में थोड़ी सी लंबी मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू आपको रख के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइटन एक ऐसे कंपनी है जहां पर की ग्रोथ के काफी आसार दिखते हैं। कंपनी में अगर आप देखें तो अगर आप समझें कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ने वाली है, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी तो जो भी हमारा जो है डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंडिंग है वो काफी बढ़ता है, और उसका जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी है टाइटन, जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में है। और इन दिनों सोने के दाम भी काफी बढ़े हैं, न केवल ज्वेलरी जबकि आप देखें आईवेयर कह लें, उनकी टनेरिया जो कि टेक्सटाइल में है, इवन वॉचेस, तो दीज ऑल कम मैंने सेगमेंट्स और वर्टिकल्स हैं जो कि काफी डाइवर्सिफाइड हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैनेजमेंट काफी पॉइज्ड है कि 300 टाउन तक जो है 300 शहरों में लेकर जाएगी टेनिस जैसे जो है एक अच्छे प्रीमियम ब्रांड को, तो ये जो उनकी योजनाएं हैं इसके कारण मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इनकम बढ़ने वाली है कंपनी की, और उस लिहाज से इस कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। गिरावट में लें या मौजूदा स्तर पर लें 4050 तक के टारगेट के लिए, और 3675 रुपए के नीचे अगर जाए तो एक स्टॉप लॉस जरूर बना लें ताकि आपको वेल्थ इरोजन ना हो। तो टाइटन पसंद आता हुआ संतोष जी को। कुणाल, आप बताएं आपके रडार पे कौन सा स्टॉक है? मेरे रडार पे दो स्टॉक है। सबसे पहला लोगों का फेवरेट स्टॉक है जोमेटो, जो मोस्टली वीकेंड पे लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एप्लीकेशन की, तो खरीदारी करके चलने की सलाह है 177 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 195 का पहला टारगेट है, और जैसे ही वो ब्रेक होता है ये स्टॉक हमें ऊपर में अच्छे खासे रिवल दिखा सकता है। आप कह सकते हो कि 11% तक की 11% का रिटर्न हमें ये नेक्स्ट वीक में ही दिखाने के लिए सक्षम है, तो जोमेटो खरीदारी करके चले 195-207 के एसएल के साथ। दूसरा जो स्टॉक है वो वेलकॉर्प है, वेलकॉर्प कॉर्पोरेशन 584 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 570 के एसएल के साथ। आज के दिन में ब्रेकआउट देखने को मिला है, लाइकली चांसेस है कल के दिन में अच्छी खासी बढ़त हमें ये स्टॉक में देखने को मिले। 595 का पहला टारगेट है, और वजह से वो ब्रेक होता है 615 का दूसरा टारगेट भी हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल, और इसके साथ ही संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए और तमाम आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।